हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो अभी मैं आया हुआ हूँ फार्म हाउस और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आज का मौसम बड़ा अच्छा है और मैं ना एक चीज दिखाता हूँ अभी आपको। रुको, यहाँ पे कुछ है, देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह अंडे हैं यहाँ पे। हाँ, और ये अंडे पता है किसके? ये अंडे हैं तीतर के। तीतर क्या होता है? तीतर होता है चीतर, पता नहीं क्या होता है। व्लॉग बनाना नहीं आता मुझे, नहीं ऐसे करके ऐसे फटाक से फोड़ दूंगा फोन को फोड़ने से क्या होगा, अपने आप को ऐसे काट दूं बीच से। कौन देख रहा है भाई, पागल समझने लो मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आपको अपना फार्म हाउस दिखा दूं। और पता है यहाँ पे ना बन रहा है स्विमिंग पूल, वो भी बहुत बड़ा। तो कुछ दिन बाद ना डुबकी लेके तैरेंगे। पहले मैं इसको फेंक दूं, मैं इसको लेके क्यों तैर रहा हूँ। तो ये हमारा चीकू भाई, और इसमें से कुछ दिन बाद आएंगे चीकू के फल, जिसको हम खाएंगे, ठीक है। अब वो रहा निम्बुड़ा भाई, उसमें निम्बुड़े लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये हैं सागवान जो बहुत लंबे हैं लाइक खम्बा। तो डेमी अभी बंधा हुआ है अंदर, क्योंकि वो ना काम करने नहीं देगा, वो भौंक भौंक के लोगों को पागल कर देगा, इसलिए उसको अभी बांधे हुए हैं। और आजकल ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो उसको ना अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। तो उसको एक कमरे पे उसकी मैट पे हम लोग पानी डाल देते हैं, फिर उसके अंदर ही उसको बांध देते हैं, तो मैट के ऊपर ही बैठता है, तो उसको थोड़ा ठंडा लगता है। तो एग्रेसिव हो गया है वो बहुत ज्यादा, इसलिए उसको खोलते नहीं अभी, नहीं तो किसी को भी काट ले या कुछ कर ले तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं, मेरी औलाद है ना इसीलिए। तो देख लो ये रहा जामुन भाई, क्या सुंदर नजारा है ना यार। मुझे ऐसे लाइन से लगे हुए पेड़ बड़े प्यारे लगते, देख लो वाह कितना सही लग रहा है ना। और इस पे मैं दिख रहा हूँ ना बैक कैमरे से वीडियो बनाने में यही है कि बार बार देखना पड़ता है आगे होके कि क्या हो रहा है। चलो पहले मैं ना डैमी से मिल लेता हूँ, क्योंकि वो अंदर भौंक रहा बेचारा। वो ना बड़ा उतावला हो जाता है जब हम लोग आते हैं, तो उसको लगता है कि ये लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तो चलो पहले उससे मिल लेते हैं, ठीक है। फिर कछुए से मिलेंगे, और अंडे तो मैंने आपको दिखाई दिए। इतनी अच्छी हवा चल रही है यार, जब धूप ना हो ना तो शाम को ऐसे आओ और ऐसे हवा चले तो यार मज़ा ही आ जाता है। तो बुग्गू तो अभी घर पे होगा, फिर मैं जा रहा हूँ, छोटा सा ही ब्लॉग बनाऊंगा, ज़्यादा चपड़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है। गैस सबसे पहले ना मैं अपने लिए एक ट्राईपोड लूँगा यार, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना फ़ोन को रख के एक सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। ट्राईपोड था लेकिन मैंने तोड़ दिया खींच घसोट के। मेरे हाथ में ना सनिश्चर वॉश करते हैं, सनी देव। और एक चीज़ और दिखाऊँ रुको, कितने बड़े बड़े इसमें ना मौसमी आ गए हैं, मौसमी देखो कितने सारे मौसमी आ गए। और पता है मौसमी का जूस पीने से ना थोबड़े में इतना बढ़िया ग्लो आता है, इतना थोबड़े में ग्लो आएगा आपके, मजा आ जाएगा एकदम, इतना थोबड़े में ग्लो आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दिन ब दिन पागल बनता जा रहा हूँ ब्लॉग के चक्कर में। कुछ सरकारी वरकारी नौकरी कर लूँ, ब्लॉगिंग छोड़ूँ, है ना। चलो पहले डैमी से मिल लेता हूँ। देखो यार वेदर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लग रहा बहुत ज़्यादा सेक्सी वेदर है एकदम मस्त। और देखो किसी से मिलाता हूँ, वो देखो वो दिख रहा है ना वो एक छोरा, वो छोरा खती बावड़ा क्या बोलते घना, मुझे राजस्थानी नहीं आती। ये बैठी दिव्या यहाँ पे, क्या कर रही हो दिव्या, ये क्या कर रही है? ला इसकी गाड़ी ले लेता हूँ और लेके नहीं, 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 और गाइस ये मेरे ब्लॉग देखता है ना, इस वाली वीडियो में तो भी आएगा यूट्यूब पे, ठीक है। कुछ तो बोल दो नहीं बोलना। यार हमारा डैमड़ी कुजी। चलो डैमी को टहला के लाता हूँ, ओए अगर किसी को काटा तो तुझे पड़ेगा चाटा। देखो जो बर्ड कहाँ घसीट ला भाई, इसके अंदर बड़ी जान आ गई आजकल, घसीट ले जाता है। देखो अरे यार चिड़िया आ गई, देखो चिड़िया, इसका मतलब चिड़िया को पता चल चुका है कि उसके खाने का सेटअप यहाँ कर दिया गया है। पहले ना वो वहाँ पे हुआ करता था, ये मुझे घसीट लिया थी। ओए भाई ये देखो, इसके अंदर ना बड़ी ताकत आ गई आजकल, ये घसीट ले जाता है पूरा। देखो ओए बाप रे बाप, ओए देखो मैं पूरा झुक चुका हूँ। डैमी कुछ नहीं कहते आज, तू मैंने तेरी वीडियो देखी, तू रिकॉर्ड करता या तो आसमान या तो धरती, मुझे निकल जाता है। आ रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा आता है मेरा कि नहीं आता? आता है, आता है ना। ये भगा बैठो। और तुम क्या जानो पतले होने का दुख, हमें तो तेज हवा से भी डर लगता है कहीं हम उड़ ना जाए, ये भी एक सच्चाई। देख कहाँ गिर गया ये भी, देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। एक बार गिर के बताना हर्षित। वाह ये हमेशा गिरता रहता है हमारे फार्म हाउस में। नहीं ये नहीं गिरता उतना जितना दिव्या गिरती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिलती है और रोती रहती है।
है ना। चलो फिर कुछ और दिखाने लायक होगा तो दिखाऊंगा, अभी तो कुछ दिखाऊंगा। ये पागल हो गया, पागल हो गया। ये देखो मार इसको। मैनर लेस हो गया बिल्कुल, बदतमीज। यहाँ पे जो कुत्तियाँ आती है ना, कुत्तियों को काट लेगा ये। हाँ हाँ, ये भी है ना कुत्तियों, उस दिन उसकी माँ पे हमला। कुत्तियों बोल रहा है तू? हाँ सच्ची में, आपने बोला था कि स्कूटर पे बिठाएंगे, आपके वजह से हुआ। मैंने इसको सोचा कि चलो स्कूटर पे बैठा के घुमा देता हूँ। बेचारी बाहर एक ना फीमेल डॉग बैठी थी, उसको दौड़ा ले गया। हम लोग गला फाड़ फाड़ के परेशान। डैमी को कोई फर्क ही ना पड़े, एक पिछवाड़े पे मैंने लपड़ लगाया। ओए एक सीट ले गया। ओए 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 गुरु 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 यो ये यो इसके ये यो यो। देखो गाइस कितना सुंदर नजारा है, ये पत्थर लग गए हमारे चढ़ के जाने के लिए। डैमी तू भी ऊपर से आया कर, और यहाँ पे मस्त हम ऐसे चढ़ के जा सकते। देखो वैसे तो ये बैठने के लिए है, लेकिन चढ़ के भी जा सकते है। देखो ऐसे देखो जैसे कि ये पौधे गिले हो जाए और अब उनके पैर अंदर बैठे तो इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। अपन टफन आए है। उई मां गिरा लगी फोन की उंगली लगा देता है यार, कैमरा गंदा कर देता है पूरा। और यहाँ पे मैंने झंडा दफना दिया है भारत माँ का। अब उसकी तो जय तो कर ले, इसने वहीं पे सुसु कर दिया। इसने ना वहाँ पे एक झंडा फट गया था, तो उसने मिट्टी के अंदर डाल के उसमें फूल वाल के पूजा करी थी ना। अब जल्दी से उसके प्रणाम कर लो उसका। कैसे? ऐसे क्या बोलते हैं, सिरदा पर लो। वही सिरदा पर लो। ओ हो बेटे और उन्होंने उसको उठा लिया और मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, क्या पता मेरे ऊपर हमला कर दे। और मैं आ गया। चलो तो डेमी को अभी हमें बांधना पड़ा है, वो बताते हैं किस लिए बांधना पड़ा है थोड़ी देर में। अभी डेमी यहीं पे रहेगा। छह अंडे। थोड़ा गौर करके दिखाऊं। अब कुछ दिन बाद इनमें से निकलेंगे छोटे छोटे तीतर के बच्चे, जिनको हम पाल लेंगे, है ना। अरे उसको छुपाना तो भूल ही गए, और डेमी वहाँ पे पागल हो रहा है। अगर डेमी ने देख लिया ना कि इसके अंदर अंडे हैं, तो इसको सब चट कर जाएगा, खा जाएगा ना। वैसे कच्चे अंडे को तो पता नहीं खाता है कि नहीं खाता, उबले अंडे तो खा लेता है बड़े मजे से, उसका फेवरेट उबला अंडा। चल डेमी को बांध देता हूँ, और बुग्गू के लिए थोड़े घास भी लेने पड़ेंगे ना अभी। देखो डेमी को कमरे के अंदर। नो डेमी सिट, वहाँ पे ना बैठी है बाहर वो डॉग, तो उसको ना ये दौड़ाने के लिए डरा रहा है ये। चलो उसके पास चलते, उससे मिलते हैं। डेमी ना उसको कहीं काट वाट नहीं ले, इसलिए बांध लिया, क्योंकि उसको देख के ना वो बड़ा एग्रेसिव हो रहा था। वो आज तक किसी भी दूसरे डॉग से नहीं मिला है, वैसे मिला है तो सिर्फ पालतू वाले डॉग से मिला है, तो उसको इतना सेंस है कि मुझे पालतू वाले कुत्तों को नहीं काटना। तो किसी पालतू कुत्ते होते ना उनको नहीं काटता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग को दौड़ा ले जाता है। पता नहीं क्या लफड़ा है, कहाँ से इतना दिमाग आया उसको, स्टैंडर्ड देखता होगा शायद। देखो ये कितनी प्यारी है, कुछी कुछी। हाथ नहीं छू सकता क्योंकि यहाँ पे हाथ धोने का कुछ नहीं है, फिर मुंह पे हाथ वात लग जाएगा ना। ऑल ऑल आज ऑल 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 कुची 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 कितनी प्यारी है। वैसे जब भी स्ट्रीट डॉग को छुओ ना, उसके तुरंत बाद आपको ना हाथ धो लेना चाहिए साबुन से, क्योंकि ना थोड़ी बीमारियां होती हैं। क्योंकि मैंने इसको देखा है, ये मांस वांस खाती है। एक बार टांग उठा ली थी किसी जानवर की, है ना, बकरे की नहीं, किसी गाय के बछड़े की टांग उठा के ले आई थी ये, और एक दिन नाले में लौट रही थी इसीलिए। अरे बाप रे, तू तो ऊपर चढ़ गई। अरे अरे वाह, ये इतनी ट्रेंड कैसे हो गई। ये जब भी देखते ना हम लोगों को, तो ऐसे पसर के लेट जाती है ये। हम लोग चढ़ गए हैं पहाड़ पे, क्योंकि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। क्या बोलते हो दोस्तों? ओ दोस्तों तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनीष। मनीष, और दूसरा नाम? चीकू। चीकू 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 मेरे पैर के ऊपर लेट गई। ओए टुंडली लेट गई है वो अभी आराम से। ये कितनी ज्यादा फ्रेंडली है यार, कितनी छूना नहीं तुम लोग। देखो ये हमारे कछुए, देखो ये रही, ये पूरा गड्ढा खोद के अंदर घुस के बैठ गया है ठंडे में, और वो वहाँ पे पूरा पेड़ सत्यानाश कर दिया एलोवेरा जेल का, वो देख लो पूरा तेरा। हमारे कछुए इतनी गर्मी है यार, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, देखो बोलो ना फिर से एक बार, बोलो ना मेरे को, देखो एक बार बोलो ना। तो मैं रोज धूप में ना रुमाल बांध के रखता था, आज वीडियो बनाने के लिए मैंने नहीं बांध रखा। क्या बोल रहे थे अभी आप, फिर से बोलो ना एक बार। इधर से दौड़ के उधर दौड़ के वीडियो बना रहे हो, गर्मी लग रही है आपको। तो मैं बोल रहा था कि पसरा चकरा रहे थे, जोशी छा रहे। पेट पालने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों, पेट पालने के लिए। इसको मेरे को उठा, तुम लोग रिकॉर्ड नहीं करने देते। तो मैं ये बोल रहा था, कि पेट पालने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि इनकम आती है ना यूट्यूब से, इसीलिए ढंग से नहीं बोल पाता हूँ मैं, बड़ा कमजोर रहा हूँ मैं हमेशा से।
तो गैस राजस्थान के मैं आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ, यहाँ पे पानी पेड़ में डालने को क्या बोलते हैं? पा देना। तो यहाँ पे अगर किसी पेड़ को पानी डालना है तो यहाँ पे उसको बोलते हैं इस पेड़ को पानी पा दो है। तो अब ये बोल रहे थे सर कि रोज इनको पानी पा दो करो। क्या बोल रहे थे? पानी पा दो इनको, रोज इनको पानी पा दो। तो मैंने कहा क्या पा दो? तो मुझे पता चला कि पौधों को बोलते हैं पानी पा दो, मतलब पौधे को पानी डाल दो, ठीक है, वो वाला पा दो नहीं। सर अंदर ही अंदर गुस्सा है पता नहीं क्यों। तो अभी सब काम खत्म हो चुका है क्योंकि अभी 6 बज चुके हैं, तो सारे मजदूर जा चुके हैं और अभी हमने डेमी को यहाँ पे आजाद कर दिया है। देख लो अभी तक बंधुआ बना के रखा था उसको बांध के, अब आजाद कर दे है ना। देखो पहले मेरा फूल दो, कचर दूं, कचर दूं। ये बोल रहा था चारा मेरे पैरों सब पैर, मेरे पेड़ में सब पैर रख के चले जाते हैं। ये क्या कर रहा है? चाटता रहता चटुआ, क्या चाट रहा है तू? अरे मैं कुछ नहीं चाट रहा हूँ। हमने एक नई बकरी ली है, आपने कभी देखी तो नहीं होगी बकरी, मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बकरी, देखो आपने कभी देखी ऐसी बकरी, काली और भूरी। ये देखो बकरी के लिए मैंने घास भी तोड़ी, ले खा ले, ले खा। तो अभी इसका भूगनी है, अभी इसका पेट भरा हुआ है, नहीं तो ये बकरी बहुत ज्यादा घास खाती है, जितनी भी घास होती है ना तो हमारी यही बकरी खाती है। बकरी आ जा, इसको है ना हमने ना दो तारीख से खरीद, तो बकरी लाएंगे हम और ये इसकी बकरी बच्चा देगी, फिर इनको बेच देंगे। अच्छा ये बकरा है, इसके लिए एक बकरी लानी पड़ेगी हमें पहले। तो ये घास में रख देता हूँ अपने बकरी के लिए, बाद में खा लेगी है ना। तो अब सीधे घर चलता हूँ, वही मिलता हूँ क्योंकि बैटरी भी कम हो गई मेरे फोन में, अपनी सीधी बुग्गू को दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ यार तो मैं व्लॉग बनाना भूल गया, और दिखाता हूँ मैं रात के कितने बज गए। बताओ मैं फार्म हाउस से कब का गया था, लेकिन ना फोन में बैटरी नहीं थी इसलिए मैं ना रिकॉर्ड करना भूल गया। अभी देख लो 11:23 हो रहा है, 11:23 12 बजने ही वाले आधे घंटे बाद, और देख लो हमारा बुग्गू क्या कर रहा है। कूलर की हवा कब से देख रहा हूँ मैं, वो बैठ के उधर ही देखा जा रहा है बेचारे को, इतनी गर्मी लगती है। तो भगवान ने इनको इतने तो बाल दिए, देखो इतने बाल दिए, जितना हम स्वेटर पहन के रखते हैं ना उतने इनके बाल भी हैं। तो बेचारा वो कूलर के सामने झांक रहा है, तब से सोच रहा होगा ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। बेचारा ठंडी हवा खाने के लिए कूलर के सामने तब से बैठा हुआ है, देखो गर्मी लग रही है। आ जा, हाँ बहुत गर्मी है भाया, उफ मेरे तो पूरी ब्यूटी खराब हो गई, इतनी सुंदर दिखती थी मैं, लेकिन इतनी गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया। अरे ये कूलर भी थोड़ा खास नहीं है, एसी लगवा लेते यार, कूलर के सामने बैठना पड़ता है। बुग्गू ओए सुनता क्यों नहीं है? क्या सुनूं यार इतनी गर्मी में, बहुत गर्मी लगती है मेरे को। आजा ले ले, अच्छा तू हवा ले ले, आजा। तो मुझे नहीं लगता मुझे अब कुछ और रिकॉर्ड करना चाहिए, सो जाता हूँ क्योंकि रात भर मुझे ना भूत प्रेत के सपने आते हैं। मुझे अच्छे सपने कभी नहीं आते जिंदगी में, मुझे सपने आते भूत चुड़ैलों के, इस तरह के तो सपने आते हैं मुझे। अब सो जाऊंगा आराम से, चलो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।